Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. खुदा उनका धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए. कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी और जिस कारण से हम लोग पांच मिनट करीब 5 या 7 मिनट लेट हो गए हैं. सो हम क्षमा चाहेंगे कि खुदा के सम्मुख जब हमें समय अनुसार आना है और हम नहीं आ सके. सो इस समय को प्रभु के हाथों में देते हैं और ये समय जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है ये समय बड़ा बड़ा बहुमूल्य समय है और इस समय में हमें परमेश्वर के चरणों में अपने सरों को झुकाना है और परमेश्वर को हर पल और हर क्षण हमको धन्यवाद देना है कि परमेश्वर ने जो भी समय मुझे और आपको दिया है वो परमेश्वर की केवल महिमा के लिए उसकी स्तुति और आराधना के लिए हमें अपने जीवन को गुजारना है. और सुबह से लेकर के इस रात्रि के समय में अब जबकि 10:11 हो चुके हैं और परमेश्वर ने आपको और मुझको अब तक सलामती के साथ रखा हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं. और परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य उसकी केवल महिमा करे उसकी आराधना करे. फरिश्तों को आसमान पर बनाया स्वर्ग में जब उसने फरिश्तों को बनाया तो फरिश्तों को इसलिए बनाया कि फरिश्ते उसकी महिमा करें उसकी आराधना करें और उसकी स्तुति करें. केवल मेरे प्रियो मेरे अजीजों जानिए इस बात को कि हमें मनुष्य को जब परमेश्वर ने सारी चीजों को शब्द से बनाया और कहा कि ये हो जाए वो सब चीजें होती गई लेकिन जब मुझे और आपको परमेश्वर ने बनाया मेरे प्रियो तो उसने सब अपने हाथों से हमें तैयार किया और हमारे जीवन में हमारे नथनों में और अपने जीवन का श्वास फूका. हालेलुया प्रेज द लॉर्ड. मेरे प्रिय भाई बहनों मेरे अजीजों हर एक बातों के लिए हमें धन्यवाद देना और परमेश्वर की केवल महिमा करनी है उसकी आराधना करनी है. और जबकि हम बड़े बड़े कठिन दौर से हम सब गुजर रहे हैं मेरे प्रियो मेरे अजीजों इस कठिन समय में ही तो हमें परमेश्वर के सम्मुख रहना है परमेश्वर की आराधना करनी है और परमेश्वर की महिमा करनी है. और जबकि आज इस संध्या के इस रात्रि के समय में हम डेली डिवोशन हम कर रहे हैं और पहली तारीख पहले 1 जून 2021 से हमने इसे स्टार्ट किया है परमेश्वर की अगुवाई में होते हुए. परमेश्वर चाहता है कि हम सब भाई बहन जितने भी मिलते हैं सब रात्रि में भी प्रभु के नाम को ले सके और उसको धन्यवाद दे सके. तो आइए इससे पहले कि हम महिमा करें उसकी आराधना करें उसकी स्तुति करें अपने सरों को झुकाएंगे और आंखों को बंद करके परमेश्वर की क्यों धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर आपने मुझे और आपको जितने मेरे प्रिय भाई बहन इस समय लाइव पेज पर देख रहे हैं और इसके बाद जो देखेंगे सबको सलामती के साथ रखा है इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे. आइए हम प्रार्थना करें. सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद के साथ खुदावन आपके चरणों में आते हैं मेरे राजा और आपका इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हमें ये अवसर दिया है कि हम आपकी स्तुति कर सकें आपकी आराधना कर सकें और जीवन में चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आए लेकिन परमेश्वर केवल केवल हम आपके चरणों में उपस्थित रहें आपसे विनती करते रहें आपकी महिमा करते रहें क्योंकि परमेश्वर आपने मुझे और सारी दुनिया का निर्माण इसीलिए किया है कि हम मनुष्य जाति जो है प्रभु आपकी महिमा करें. खुदावन प्रभु हर एक पल में आपने हमें संभाला आशीषें दी बरकतें दी और अब तक प्रभु संभाला और विशेषकर अपने जीवन का श्वास मेरे और मेरे परिवार और मेरे अजीजों के जीवन में फूका इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु. हाँ खुदावन इन सांसों के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं और आपको नमन करते हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु इस रात्रि के समय में जब हम प्रिय भाई बहन इकट्ठे हैं और एक छोटे से डिवोशन के माध्यम से एक छोटी सी आराधना के माध्यम से एक छोटी सी प्रार्थना निवेदनों के साथ प्रभु आपसे बातचीत कर सके कि आपने अब तक हमको संभाला है प्रभु इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं. जो वचन प्रभु आने वाला है प्रभु यीशु मसीह आपकी बेटी के माध्यम से प्रभु जी भले ही खुदावन वो बोलने वाली जरूर है मिसेस शबनम डेविड लेकिन प्रभु वाणी तो आपकी है प्रभु जी आवाज उनकी हो सकती है लेकिन वाणी प्रभु यीशु मसीह आपकी है और इस वाणी को प्रभु हम सब प्रिय भाई बहनों में बांटे प्रभु जी ताकि सब लोग
प्रभु आपकी उस आवाज को जो आज अपनी बेटी के माध्यम से आप कहना चाहते हैं, उस बात को प्रभु उसके लिए उस तक वो सब लोगों तक पहुंच सके। और खुदावन का वचन जो वचन है मेरे प्रियो मेरे अजीजो, जहां जहां जाता है प्रिय प्रिय वो पहुंचता है, वहां वहां वो प्रभाव के साथ कुछ ना कुछ लेके आता है। और हम जानते हैं आज के रात्रि में जब आपकी बेटी के माध्यम से जब वचन दिया जाता है प्रभु, तो ये प्रभु आपको ग्रहण योग्य हो सके और जितने भी लोग सुनते हैं, जितने भी लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह, वो सब आनंदित हो और वचन में आगे बढ़ते जाए। सारी बातों के लिए, सारे सिस्टम, सारी चीजों को हम आपके हाथों में देते हैं। हमारी महिमा करना और स्तुति करना आपको पसंद आने पाए। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख ईश्वर जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आप सबको जय मसीह की। आइए इससे पहले कि हम वचन की ओर बढ़े, हम अपने प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएं, ऐसे प्रभु के जो हमारा जीवता प्रभु है, जो हर परिस्थिति में हमारे साथ है। Praise the Lord, और Hallelujah. हर समय इस बात को वचन के माध्यम से हमें बता रहा है, अपने बच्चों को बता रहा है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे संग संग हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और अपने उस यीशु राजा की महिमा के लिए हम तैयार हों, जो हमें हर प्रकार की विपत्तियों से निकालने वाला हमारा परमेश्वर है, जीवता है, विश्वास योग्य व सामर्थी है। हालेलुया। तो आइए इस गीत को हमारे साथ आप गाएं और एक चित्त एक मन होकर इस रात्रि डिवोशन में, जैसे कि हमने बताया कि हमने कल से ही हमारे मन में प्रभु ने डाला कि हम अपने आरएस मसीह मंडली पेज पर, जो प्रभु ने हमें ये दिया है कि इस पेज के माध्यम से प्रभु की महिमा होने पाए और प्रभु के बेटे व बेटियां इस पेज पर आकर प्रभु की महिमा करें, उसके उस संदेश को वो देने वाले बने जो प्रभु ने वचन के द्वारा हम सबको बांटा है। क्योंकि मती रचित सुसमाचार 28 अध्याय के 18-19-20 के पद के अनुसार हमें उस कार्य को करना है जो आखिरी आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गारोहण के समय हम सबको दी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए इस गीत को हम सबके साथ आप गाएं और अपना ध्यान अपने प्रभु यीशु राजा की ओर लगाएं। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु मसीह, क्योंकि हर कार्यों से, हर विपत्ति से, हर बीमारी से छुटकारा देने वाला हमारा प्रभु यीशु हमारे साथ है। खुशी और आनंद के साथ हम परमेश्वर की महिमा करें। दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु यीशु राजा। यस लॉर्ड, हमें हर प्रकार की बीमारियों से चंगाई देने वाले पिता है खुदावन्द, धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू लॉर्ड, दिलाए यीशु नाम।
लॉर्ड, धन्यवाद यीशु राजा आपकी उपस्थिति के लिए पिता। इस लॉर्ड का मेरा सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, मुक्ति दिला यीशु महान, शांति दिला यीशु महान, मुक्ति दिला यीशु महान, शांति दिला यीशु महान। थैंक यू लॉर्ड। सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, मुक्ति दिला यीशु नाम, शांति दिला यीशु नाम, मुक्ति दिला यीशु नाम, शांति दिला यीशु नाम। धन्यवाद यीशु राजा। हाँ पिता, आपने हम सब के पापों को मिटाने के लिए आप क्रूस पर बलिदान हो गए। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। पर यीशु कृपा करना, हम पर यीशु कृपा करना, पापी न दान, पापी न दान, मुक्ति दिला यीशु नाम, शांति दिला यीशु नाम, मुक्ति दिला यीशु नाम, शांति दिला यीशु नाम, यीशु नाम, शांति दिला यीशु नाम, मुक्ति दिला यीशु नाम, शांति दिला यीशु नाम। थैंक यू लॉर्ड। हम शांति दिला यीशु नाम, मुक्ति दिला यीशु नाम, शांति दिला यीशु नाम। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। हाँ मेरे अजीजो, हमारा पिता महान है, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और धन्यवादित है पिता परमेश्वर का इस सुंदर समय के लिए, कि इस रात्रि के समय में हम सब भाई बहन मिलकर प्रभु की उपस्थिति में है, ताकि हम अपने पिता का धन्यवाद करने वाले बन सके। और जैसे कि बताया कि हमारे हृदय में प्रभु ने डाला कि हम कल से, पहली तारीख से ही हमने ये स्टार्ट किया कि हम रात्रि में थोड़ी देर मिलकर डिवोशन में आ सके, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सके। अपने लिए तो हम रोजाना प्रार्थना करते हैं, लेकिन ये जरूरी है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। और जबकि हम सब जानते हैं कि हम आगरा मसीह मंडली पेज पर रोजाना 8 से 9 या कभी कभी समय 7 से 8 हो जाता है, और प्रभु के दास व दासियां पेज पर आकर प्रभु के वचन को हम सबके साथ शेयर करते हैं। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। और हर महीने में, हर महीने की पहली तारीख से ही उस फ्लेयर पर, फ्लेयर चेंज होता है, फ्लेयर पर लिखी हुई आयत चेंज हो जाती है, वचन चेंज हो जाता है जो प्रभु हमारे मन में डालता है। और यदि आपने नोट किया होगा तो इस फेयर पर इस जून माह के लिए प्रभु ने यह वचन दिया, जो याकूब उसके 3:16 में लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से
बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे ये पूछना मांग रही हूँ, क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है? प्लीज कमेंट करके बताएं। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? नेटवर्क इश्यू तो नहीं? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू, आप सबको प्रभु बहुत आशीष दे। तो इसी वचन में प्रभु हमें बहुत सी बातों को सिखाने जा रहे हैं। जैसे कि अभी इस वचन को पढ़ा गया याकूब 3:16 को, कि तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, तो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ, और धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो जब इस वचन को हम बड़े ध्यान से देखेंगे तो इसमें दो बातें खास तौर से प्रभु ने इस वचन के द्वारा बताई है। सबसे पहले अपने पापों को मान लेना, अपने पापों का अंगीकार कर लेना, और दूसरी बात कि जब हम अपने पापों का अंगीकार कर लेंगे तब जाकर हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर पाएंगे। और जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, जब अपने पापों का प्रायश्चित कर लेंगे, जब अपने पापों को मान लेंगे, तब प्रभु हमारी प्रार्थना का जवाब, अपने हमारी प्रार्थना का उत्तर हाँ वाह आमीन में देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जैसे कि इसमें लिखा है कि सबसे पहले मैंने बताया कि प्रभु ने इस वचन के द्वारा हमें बताया कि पापों को मानना। तो सबसे पहले हमें एक ये जांचने की आवश्यकता है, क्या हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं? क्या हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं या गलतियों को मानते हैं? क्या मनुष्य का स्वभाव ये है कि हम अपनी गलतियों को स्वीकार करें? और जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जन्म उस पाप की दशा में हुआ है, तो ऐसी दशा में हम अपने छोटे बच्चों को ही देख लें, वो तो कुछ नहीं जानते, लेकिन जब बोलने लगते हैं तो अगर हम पूछें तो झट से वो झूठ को बोल देते हैं। तो हम पाप की दशा में पहले से ही है, उसे अनाज्ञाकारिता में पहले से ही है। और प्रभु ने यही हमें इस वचन के द्वारा वो सिखाने जा रहे हैं कि हमें सबसे पहले अपने पापों को मानना है, पापों को स्वीकार करना है। और यदि हम याकूब इसे 5 अध्याय को अगर हम 13-20 तक पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि प्रार्थना जब हम करते हैं, जब अपने पापों को मानकर प्रार्थना दूसरों के लिए करते हैं, तो किस प्रकार से प्रभु हमारी प्रार्थना को स्वीकार करता है। प्रार्थना में कितनी शक्ति दी गई है वचन के माध्यम से, जैसा प्रभु हमसे बात कर रहा है। और यदि आप पढ़ेंगे 1 तीमुथियुस 1:15 में, और इसमें पौलुस कहते हैं कि ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिसमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं। क्या हम स्वीकार करते हैं कि हाँ हम पापी हैं? ऐसा तो नहीं कि जब हम प्रार्थना विनती करते हैं या सिर्फ अपने परिवार के लिए करते तो अपने आप को बहुत धर्मी जानते हैं कि हम में किसी तरह की कोई कमी नहीं? क्या हम अपने आप का आंकलन कर पा रहे हैं? और ये आंकलन परिवार में, परिवार के सदस्य बड़ी अच्छी तरह से जान लेते कि हमारे जीवन में इस शारीरिक दिशा में हम में क्या क्या कमी या घटी है। और इसी पाप को जब हम पढ़ते हैं गलातियों उसके 5:19-21 में, उसमें भी बताया गया है कि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में। क्यों? क्योंकि शरीर के द्वारा हम कई प्रकार के पापों में पड़ जाते हैं। और इसमें लिखा है कि ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। 19:21 में जैसे मैंने बताया, उसमें गलातियों 5 अध्याय में लिखा है कि शरीर के काम तो प्रगट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन,
मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने तो पहले से ही लिख दिया है कि यदि हम किसी तरह भी पाप की दशा में है तो हम किसी भी तरह से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना करने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हाँ मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं, हम अपने बारे में खुद अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे जीवन में क्या क्या घटी या कमी पाई जाती है। लेकिन परमेश्वर ने बड़े अच्छे तरीके से याकूब 5:16 के पहले पार्ट में बता दिया कि हमें पाप, एक दूसरे के पापों का हमें पहले मान लेना है, उसका अंगीकार करना है। लेकिन मेरे प्रियो, इस बात को और अच्छी तरह हम ये समझ ले कि हमें पापों का अंगीकार किसके सामने करना है, क्या मनुष्य के सामने या परमेश्वर के सामने? कौन है, किसको अधिकार है हमारे पापों की क्षमा देने की? सिर्फ हमारे परमेश्वर पिता को, जिसने हमें इस पृथ्वी पर रखा। वही है जो हमारे सारे पापों से हमें छुटकारा देने के लिए, हमारे पापों की क्षमा के लिए वो विश्वास योग्य व सामर्थी है। और हम वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को हमारे पिता ने हमारे पापों के वजह से, हमारे पापों से हमें छुटकारा देने के लिए इस पृथ्वी पर भेजा। और वो पापियों के लिए आया, धर्मियों के लिए नहीं। हाँ मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए आया। और इसी बात को हमें जानना है कि अगर हमें पापों को मानना है तो किसके सम्मुख मानना है। और एक मैं बात आपके सामने ये शेयर करना मांगती हूँ कि आप पतरस और यहूदा इस्करियोती के बारे में जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने कार्यों के द्वारा प्रभु का इनकार किया, प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया। पतरस ने इनकार किया 3 बार कि मैं नहीं इसे जानता, कौन है, मैं इसके साथ नहीं था। यहूदा इस्करियोती के द्वारा किस तरह से शैतान उसके अंदर समा गया और किस तरह से सिर्फ 30 चांदी के सिक्कों में उसने अपने प्रभु को बेच डाला। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि दोनों व्यक्तियों का करैक्टर कैसा रहा, उन्होंने अपने पापों की क्षमा किसके सम्मुख मानी। पतरस ने जब इनकार किया तो बहुत रोया, पछताया कि हाँ मेरे प्रभु ने कहा था कि मुर्गे के बांध से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। और जब 3री बार उस बांग की आवाज सुनी तो वो सच में रो पड़ा कि मैंने क्या कर डाला। और यदि यहूदा इस्करियोती को हम जाने, जब उसने देखा कि प्रभु यीशु मसीह को तो सलीब पर चढ़ाया जा रहा है तो वापस उनके पास आता है और 30 चांदी के सिक्कों को फेंकता है। लेकिन अब जब दोनों करैक्टर को आप देखेंगे तो यहूदा इस्करियोती मनुष्य के सामने अपने पापों को मानने गया कि मैंने क्या ये गलती कर दी। और यदि हम यहूदा इस्करियोती पतरस को देखें तो पतरस ने अपनी गलती, उसके द्वारा जो पाप हुआ उसने यीशु मसीह के सामने रखी। तो दोनों करैक्टर्स हम समझ सकते हैं कि हमें पापों की माफी किसके सामने मांगनी है, अपने परमेश्वर के सामने, मनुष्य के सामने नहीं। मनुष्य में कोई ऐसी योग्यता नहीं जो हमें हम पापों के हम माफी दे सके। और इसी वजह से यहूदा इस्करियोती का जीवन खत्म हो गया। लेकिन इसी पतरस ने, जिसने इनकार किया, उसी पतरस पर प्रभु ने कलीसिया को खड़ा कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हाँ मेरे भाई बहनों, हमें इस बात को समझना है कि पापों को हमें मानना है। सबसे पहले तो पाप को ढूंढना है कि पाप है, उसे स्वीकार करना है, स्वीकार करना और अपने अंगीकार। सबसे पहले तो हमें अंगीकार का अर्थ ये समझना है, सिर्फ अंदर अंदर नहीं, अपने मुंह के द्वारा से स्वीकार करना है। हाँ प्रभु, मैंने ये गलती की, मेरे द्वारा ये गलतियां होंगी, प्रभु आप हमें माफ कर दे, प्रभु आप अपने लहू से मुझे शुद्ध कर दे, क्योंकि आपके लहू के द्वारा सभी पापों की माफी है।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब हमें माफी मिलेगी तब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर पाएंगे। तो दूसरा कार्य प्रभु ने इसमें कहा कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। परिवार में हम अपने हर परिवार के सदस्यों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने अजीजों के लिए जिन्हें हम जानते हैं, हम सिर्फ उन्हीं के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है, और विशेष तौर से जैसे इस याकूब को हम 30 अध्याय 15-16-17 पढ़ते हैं, तो उसमें ये बताया गया है कि उससे रोगी क्या हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे। Amen, hallelujah, praise the Lord। जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, जैसे कि अभी ये विषय चल रहा है कि इस कोविड के समय में लास्ट ईयर से कितने लोग परेशान हुए, इस बीमारी से पीड़ित हुए, घर के घर उजाड़ हो गए, बच्चे अनाथ हो गए, लेकिन हमारे लिए प्रभु ने कहा है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। जब हमारे घर में कोई बीमार होता है या किसी भी बुरी आदत का शिकार है, तो हम स्पेशल उसका नाम लेकर प्रभु के सामने विनती करते हैं। नहीं मेरे प्रियो, यदि हमारे परिवार में कोई बीमार है तो आप सारे बीमारों के लिए प्रार्थना करें, तो उसमें ऑलरेडी आपका परिवार का सदस्य आ जाएगा। यदि कोई बुरी आदत का शिकार है तो उस बुरी आदत के छुटकारे के लिए प्रभु के सामने उन सभी लोगों को याद रखें जो इस बुरी आदत के शिकार हैं, तो आपका वो जन भी उस बुरी आदत से मुक्ति पालेगा। तो हमें प्रार्थना करनी है, तो हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि उसमें लिखा है याकूब में ही कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। और विश और प्रार्थना कैसी हो? हमारी विश्वास की प्रार्थना। जब भी आप संदेशों को सुनते हैं, प्रभु के वचन को सुनते हैं, प्रभु भी बस बार बार वचनों में विश्वास की बात बोलते हैं। विश्वास करें, और जिस कार्य के लिए, जिस आदत को छोड़ने के लिए आप प्रभु से विनती कर रहे हैं, तो प्रभु उसके बारे में कहते हैं, लेकिन ये पाप फिर से मत करना। जब हम पछताते हैं, अपना पश्चाताप करते हैं, तो उस कार्य को, उस शारीरिक दशा जो पाप की में पड़ी है, उसको में आप दोबारा ना लौटें। हाँ मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा प्रभु हमें यही सिखाने जा रहे हैं कि जब हम अपने पापों को मान लेंगे और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, और इसमें लिखा है आगे, जिससे चंगे हो जाओ। सिर्फ बीमारी से चंगा ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन में जो भी बुराइयां पाई जाती हैं, जो परमेश्वर को नापसंद है, परमेश्वर को हम दुखित करते हैं, हम रोज अपने उन गंदे कार्यों से, उन बुरे कार्यों से अपने प्रभु को रोज क्रूस पर चढ़ाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, जिस भी कार्य को हम कभी करते हैं या सोचते हैं, इससे पहले हमें इस बात को जानना है कि जो कार्य हम, जो बात हम सोच रहे हैं, जो हम अपने मन में लाए हुए हैं, वो प्रभु के विरुद्ध तो नहीं, अपने प्रभु को हम दुखित तो नहीं कर रहे। हमें अपने आप को शुद्ध बनाना है, शुद्ध करना है, तभी प्रभु ये कह रहा है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, पापों को मान लो, जिससे कि चंगे हो जाओ। हम किस चीज से चंगे हो जाए? जो हमारे जीवन में कोई कमी है, जो कोई घटी है, जो प्रभु के पास जाने से हमें रोक रही है, उससे हम मुक्ति पा सके, अपने प्रभु की नजदीकी में हर पल रह सके। प्रेज द लॉर्ड। और आगे ये लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो धर्मी जन की प्रार्थना, तो धर्मी जन वही हुआ जो अपने पापों को अपने जीवन से हटा ले, उसकी माफी मांग ले, उसका अंगीकार प्रभु के सामने रख ले, प्रभु के द्वारा क्षमा कर मांग पा ले, और एक दूसरे के लिए जब प्रार्थना करते हैं, तभी हमारी प्रार्थना का उत्तर हाँ वा आमीन में मिलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब हम याकूब आगे 17 में पढ़ेंगे, तो वहां पे एलिया का वर्णन है। इसका उदाहरण एलिया के जीवन से दिया है कि एलिया भी तो दुख सुख भोगी मनुष्य था, यानी वो शरीर में था इस पृथ्वी पर, लेकिन दुख और सुख दोनों को भोगने वाला मनुष्य था। लेकिन उसका जीवन प्रभु के सामने कैसा था, कैसे उसकी प्रार्थना को सुना जा रहा था,
सिर्फ कारण यही यही जैसे इसमें बताया है कि हम जब अपनी गलतियों को प्रभु के सामने मान लेते हैं, पापों को अंगीकार कर लेते हैं, उसकी क्षमा में प्रभु से मिल जाती है, तब प्रभु कहता है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे कि चंगे हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमें इस बात को जानना है कि हम जब प्रार्थना करते हैं तो क्या चीज हमारी प्रार्थना के लिए रुकावट है, हमारी प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि मनुष्य के स्वभाव में सबसे बड़ी कमी यही बात की कि हम अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते। मनुष्य के सामने तो हम वो दो रूप लेके आते हैं, लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर के सामने कुछ भी छिपा नहीं। तो आज के वचन में मुख्य वचन यही है, याकूब 3:16, कि किस तरह से हमें अपने पापों को स्वीकार करना है और एक दूसरे के लिए हमें प्रार्थना करना है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसी वचन को हम कंठस्थ कर लें, अपने जीवन में उतार लें। हमने पढ़ा सुना, लेकिन प्रभु से प्रार्थना करें, हाँ प्रभु आप हमें ऐसी सामर्थ देना कि हम अपने इस शरीर को आपके योग्य बना सके, उसको जीवता और भावता हुआ बलिदान चढ़ा सके। और इसी वचन के साथ मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मुझे अपनी अगुवाई में होते हुए इस वचन को दिया, ताकि मैं इस वचन को आपके साथ शेयर कर सकूं। और आप सबसे, सभी भाई बहनों से प्रार्थना है कि जब भी आप इसको सुनते हैं तो आगे शेयर करें, शेयर करें, ताकि और लोग भी इस वचन को सुनकर अपने आप को प्रभु के लिए तैयार कर सके। आइए हम छोटी सी प्रार्थना को करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए कि आपने हमें यह समय दिया खुदावन, कि खुदावन यीशु मसीह आपकी इस आवाज को सुनकर पिता परमेश्वर इस नाइट डिवोशन में खुदावन हम कल से पिता परमेश्वर आपकी संगति में बने हुए हैं। और पिता परमेश्वर जो ये वचन प्रभु जी आज आपने मुझे दिया, जबकि पिता परमेश्वर जून माह के लिए आपने हमें दिया है कि इस वचन को हम थामे रह सके और इस वचन को अपने जीवन में अप्लाई कर सके, कि जो वचन हम प्रभु जी आप हमें देते हैं आपकी आवाज को सुनकर खुदावन उस पर चल सके। क्योंकि खुदावन यीशु मसीह आप नहीं चाहते कि किसी का भी नाश हो पिता, आप चाहते हैं कि सभी का उद्धार हो। खुदावन धन्यवाद देते हैं हमारे सभी उन अजीज भाई बहनों के लिए जो आपके इस वचन को सुनते हैं पिता परमेश्वर, जो इस समय ऑनलाइन है या ऑफलाइन सुनते हैं, खुदावन यीशु मसीह इस वचन को थाम सके, इस बात को सीख सके कि खुदावन यीशु मसीह के हमारे जीवन में घटी कमी है, कोई पाप की दशा में है, तो खुदावन उसको हम आपके सामने स्वीकार करें, आपके सामने मान ले, मनुष्य के सामने नहीं बल्कि पिता परमेश्वर आपके सम्मुख आ सके, ताकि खुदावन यीशु मसीह उन पापों की माफी हम आपसे ले सके और एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सके, और हमारी प्रार्थना का उत्तर खुदावन यीशु राजा आपके द्वारा हाँ वा आमीन में मिल जाए। धन्यवाद खुदावंद यीशु मसीह हमारे आगरा मसीह मंडली पेज और भी जितने पेजेस हैं खुदावंद यीशु मसीह जो आपके संदेश को आपके इस वचन को फैलाने में लगे खुदावंद यीशु मसीह, सभी पर पिता परमेश्वर आपकी बहुतायत से आशीष हो खुदावंद। और पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं जितने भी प्रभु जी इस समय बीमार हैं, अपने बीमारी के बिस्तर पर है खुदावंद यीशु मसीह, खुदावंद उन्हें प्रभु जी आप चंगा करें, उन पर दया करें खुदावंद, अपना अनुग्रहकारी हाथ पिता परमेश्वर उन पर रख दें, ताकि खुदावंद यीशु मसीह सारे बीमार चंगे होने पाए पिता। वो खुदावंद यीशु मसीह अपनी दृष्टि उन रिपोर्ट्स पर, उन डॉक्टर्स और नर्सेस पर नहीं, बल्कि खुदावंद उनकी दृष्टि यीशु राजा आप पर होने पाए, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह आप ही हैं जो हमें चंगा करने वाले पिता हैं। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो निराशा हताशा में पिता, किसी प्रकार की पिता परमेश्वर अपनी इस आर्थिक स्थिति में पिता परमेश्वर कमजोर हो गए हैं, नौकरियां नहीं है खुदावंद, हर एक को संभालना खुदावंद, हर एक को संभालना पिता, दया करना खुदावंद। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु मसीह अपने इस देश के लिए खुदावंद,
प्रभु जी आपकी बड़ी बरकत हो पिता, इस देश को चलाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह जितने भी अधिकारी आपने रखे हैं हर एक को अपनी बुद्धि से परिपूर्ण करना खुदावंद, ताकि इस देश के प्रति जो भी उनकी ड्यूटीज है खुदावंद यीशु मसीह उसे आपकी उपस्थिति में बड़ी ईमानदारी से करने वाले बन सके और हर एक की भलाई के लिए वह सोच सके। इस रात्रि में जब हम सोने जाते हैं खुदावंद हर एक को प्रभु जी संभालना, हर एक को अपनी प्यारी मीठी नींद से भर देना, ताकि पिता परमेश्वर वो शरीर में तो सोए लेके प्रभु जी आत्मा में जगे रहे, ताकि आवाज आपकी सुनने पाए और कहने पाए हाँ पिता आप हमसे बोलिए हम सुनते हैं, आप खुदावंद यीशु मसीह मुझसे आज रात में बात करिए मैं आपकी आवाज को सुनता या सुनती हूँ, आप जो मेरे जीवन से चाहते हैं पिता परमेश्वर मैं आपकी आवाज को सुनता व सुनती हूँ, मुझे उसको करने के लिए पिता परमेश्वर आप तैयार करें, हर एक जन पर पिता परमेश्वर आपकी आशीष हो खुदावंद, हमें प्रभु जी अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण कर दे खुदावंद, अपने वचनों से भर दे खुदावंद, प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हम आपसे मांग लेते हैं, आमेन आमेन आमेन। आप सबको जय मसीह की। Praise the Lord.